बाऊ आ गया है घूम घुमा के, और बाऊ के साथ बाऊ की मम्मी और नानी गई है। ये किस लिए गई आपको बताऊं? अब देखो तो आपको पता चल जाएगा ये कोई किसी से। ये ड्रेस लाने के लिए गई थी इसकी नानी और मम्मी। देखो नानी नहीं, दादी, इसकी दादी हो। पहले मैं नानी कही हूँ तो देखो तो हैंग थे, मतलब फ्री में लेना एक बंग टाबर नहीं कहीं दियो तो अब ये कह रहे हैं कि हमारे घर पे आएंगे तो हम देंगे, बाकी तो हम जो गए थे तो सामने कुछ देने थोड़ी गए। वैसे ड्रेस है सारी बहुत ही अच्छी है, ज्यादातर वो मम्मी की है, ज्यादातर क्या आधो आध है, आधी मम्मी की आधी भाभी की। और बच्चे को एक दो ड्रेस मिली, बाकी पैसे मिले क्योंकि छोटा बच्चा है, ड्रेस है तो लाते नहीं है। बाकी ये सारी बच्चे के पीछे मिली है, इनको कोई नहीं देते। देख लो भाई है मत पढ़ियो। तो तेजू लसन तूने छीला? हाँ, तीन छीने तू क्या कर? दूध के पास सब्जियां रखी है और यानी लून मिर्च मिक्स कर उड़ा आटो ही हुक जी पड़ी पड़ी। मेरा मजाक उड़ाती हूँ, मेरे को मरो कहती है। अरे गाँव में हमको भी आज से इतने चूके पर खाऊंगा वो भूत चमिंगरी। ओ ये रिकॉर्डिंग की बेटी तीन रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों वेलकम टू गमो राजस्थानी चैनल। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद मैं और भाभी मार्केट गए हैं, और मार्केट गए तो ड्रेसें खरीदी हैं और साथ में चुनड़ियाँ और कुछ कॉस्मेटिक्स ये खरीदे हैं। तो ड्रेसें तो नॉर्मली मातेश्वरी एंडलूम, मरुधर एंडलूम, इसके बाद विजय साड़ी, इन दुकानों से ही खरीदते हैं, और कॉस्मेटिक्स यहाँ से लेते हैं कारूमल से। इसके बाद मोहन कसीदा से कुछ खास लिया ये आपको बता देते हैं। बाकी मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया कहीं पर भी, क्योंकि इस दिन तबीयत बहुत ख़राब थी, बुखार जैसी हालत थी, बुखार हो रखा था लगभग, तो यूँ ही सोचिए सिर दर्द बहुत तेज़ था, फिर भी जाना पड़ा तो कोई वीडियो याद नहीं रहा। लेकिन ये चीज़ कुछ खास दिखी तो वीडियो ले लिया। ये मोहन कसीदा से भुजबंद की लूम्बे ली है, जिसमें से ये आपको दिख रही है जो बड़ी वाली, ये 1700 की है, दूसरी वाली 1200 की है। तो हेलो दोस्तों, आज हमारे घर पे कुछ छोटे कुछ मोटे कुछ पतले कुछ ज्यादा यूट्यूबर्स आए हैं। तो आज हम उन सबसे मिलाएंगे। तो ये व्लॉगर है, कॉमेडियन भी है, और ये भी कॉमेडियन है। अच्छा, ये कॉमेडियन एक वो पीछे छुप रहा है कि मेरी जो ऐप है तो ऐसी बंक मत करना वो। हाँ, ये एक स्टूडेंट है। नहीं नहीं, ये भी कॉमेडियन है। है, मैंने नहीं देखी। ये भी यूट्यूबर है। हाँ, ये भी यूट्यूबर है। ये क्या कर, और ये भी बनाते हैं कॉमेडी। और इनका जो है कॉमेडी इतनी जोरदार चली के चैनल सस्पेंस हो गए, सस्पेंड हो गए। ये पापा है, तू पापा ना मेरा लुक है। हम देख, ये है कल रात को बारिश आई इस घर में, आने के बाद ये पहली बार बारिश आई, और हमें बहुत ही सरप्राइजिंग बात पता चली कि रसोई पूरी की पूरी टपक रही है, फ्रिज के ऊपर से, बर्तनों के ऊपर से, और कमरे दोनों ही जगह जगह से टपक रहे हैं। और यहाँ पर बार बन गया है तालाब, और बच्चे कर रहे हैं इंजॉय, क्योंकि यहाँ तालाब इसलिए बनाए कि कहीं पर भी पानी जाने की जगह नहीं है, कोई नाली बनी हुई नहीं है। तो ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो कि लगभग जो है किसी न किसी काफ़ी लोगों को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता होगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है। सुबह इसको पानी को निकाल कर और पोछा लगा के साफ़ कर देंगे, फिर सूख जाएगा तो हो जाएगा नॉर्मल। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी जो मैं ये वीडियोस बना रही हूँ पिछले कुछ दिनों से, 5-6 दिन में, ये मजबूरी में बना रही हूँ। ना मेरा वीडियो बनाने की इच्छा है, ना मेरा शौक़ है, ना ऐसे लगता है कि वीडियो बनाऊँ, ना ही फ़ोन उठाने की हिम्मत होती है, क्योंकि एक तबीयत ख़राब है और एक भागदौड़ इतनी है कि एक 5 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो ना बनाने की, ये सब जो है सहानुभूति के लिए कर रही है। मुझे कोई किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए, सहानुभूति से किसी का पेट नहीं भरता, किसी की ज़रूरतें पूरी नहीं होती है, और ना ही कोई सहानुभूति से
ऐसा कोई बड़ा सा इनाम मिलता है जो मुझे सहानुभूति चाहिए, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। तो अब मुझे ये भी पता नहीं है, ये सुबह हम साफ़ कर रहे हैं, मम्मी इसकी पानी निकाल रही, मैं अंदर झाड़ू पोछे लगा के पूरा टका भी कर देंगे, आप देख लेंगे। लेकिन फिक्र वाली बात तो ये है कि मैं वीडियो कितने दिन जारी रख पाऊँगी, मुझे खुद ही नहीं पता। मैं जो बना रही हूँ ये भी बड़े ही मुश्किल से और कोई घंटा भर टाइम निकाल के बना रही हूँ, और इसके बाद कब बंद कर दूँ, कब क्या होगा कुछ नहीं पता, कितने दिन बीच में बंद कर दूँ। इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी चर्चा इसमें कर देती हूँ कि हालात कैसे है, ताकि कभी एक नई वीडियो आए तो भी आप लोग ज़्यादा कमेंट ना करें। तो सुबह उठते ही जितनी हो सकी पूरे घर की सफाई, पानी भर रखा था, यहाँ पानी टपक रहा था, बाकी जो है यहाँ टपक रहा था, यहाँ पूरा भर गया था और रसोई पूरी टपक रही थी। तो सारा पानी साफ करके खाना बनाया और दूध कढ़ाया, इधर की सफाई की पूरी, ये पूरा भर गया था पानी और कचरा, इसको साफ किया और अब बनाते हैं वीडियो। बच्चे अब उठे हैं, एक नारा है, एक को नाना बाकी है, को लाइट नहीं थी, नहीं काफ़ी एक बजे तक, तो रात को वीडियो बन नहीं पाया। उस मनुष्य की छाया पड़ी जो मैं बीमार हो गई, इतना ज़्यादा मनुष्य है हम लोगों के लिए, इतना ज़्यादा मनुष्य है कि आपको बता दूं, अब हम लोगों का मुझे ना अंत नज़र आ रहा है, मैंने हम लोगों का अंत देख लिया है, अब नहीं जीने देगा। इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है कि हमें सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है। पुलिस मौका देखने गई, मैं और मेरी माँ उनके साथ वहाँ गए, ये वहाँ खड़ा हमारा वीडियो बना रहा है। एक दिन आना तू पटरियों पे, हम तीनों वहाँ पर लेटे होंगे, जान तो नहीं होगी अंदर, लेकिन वीडियो बना लेता, वीडियो ज़रूर बना लेना, तेरा वीडियो बहुत चलेगा, मिलियंस में जाएगा। अब हमें ये जीने नहीं देगा, आपको गारंटी से कह रही हूँ। मैं कोई भी बात हवा में करती नहीं, फालतू की फेंकती नहीं, जो मुझे आगे नज़र आ जाता वो आपको बता देती हूँ। नहीं जीने देगा, कितनी कोशिश कर लें हम, कितनी भी, लेकिन ये जो कोशिशें कर रहा है ना, हमें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है ना, ये हम तीनों का अंत करके छोड़ेगा। कैसे जिए, क्या बिगाड़ा हमने, एक दिन बना ना तू वीडियो में शरीर का, हम तीनों के शरीर का, हो सकता वो तेरा आखिरी वीडियो हो, लेकिन हमारा तो आखिरी होगा ना, हम लोगों का भी वो आखिरी वीडियो होगा जो हमें नसीब से तू मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। आज जो मैं आपको बात बता रही हूँ ना, ये बहुत जल्दी सच करके छोड़ेगा ये। मैंने कहा था ये आप मेरे लिए इतना मनुष्य है, उस दिन मैं थाने में गई, उसके बाद बुखार आया, तीन दिन से उठी, कल गई, हम तीनों बीमार पड़ गए। ऐसे मनुष्य के वापस उस घर में हम जाएंगे यूँ, ऐसा दिन भी आ गया ना कि आज हमारे खाने को घर में एक अनाज का दाना नहीं है, हम भूख मर रहे हैं, प्यास से मर रहे हैं, अब हमारी आखिरी सांस चल रही है, तो हम मौत को गले लगा लेंगे तेरे, लेकिन तेरे पास कभी नहीं आएंगे। तू ये जो दूसरों का इल्ज़ाम लगा रहा है ना, इसकी माँ घर बिखेरना चाहती है, इसका भाई घर बिखेरना चाहती है, इसके सब्सक्राइबर जो इसे कमेंट करते हैं वो घर बिखेरना चाहते हैं, घर तेरा तूने खुद बिखेरा और अब पाप वापस बनाना तेरे हाथ में नहीं है। तेरे साथ वापस इस जन्म में तो हम आएंगे नहीं, हो सके तो जल्दी से जल्दी हमारा खात्मा कर दे, हो सकता है आगे कोई चांस मिल जाए तो पता नहीं। ये फालतू के लोगों ने, लोगों को जो भरमा रहा है ना, गम्मू चाहती है समझौता, गम्मू कभी सपने में भी गम्मू ने नहीं सोचा कि वापस इससे समझौता करूँगी, तूने नंगा किया है ना मुझे लोगों के सामने, फिर तू उम्मीद रखता बहन, उम्र भर अब अपने हाथ चलाते रहे, ठीक है, तेरे हाथ से ही तू है ना जिंदगी निकालना तेरी, भले हम रहे ना रहे, भले हम जीते हारे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू है ना गर्मा गर्म फुलका बना के किसी के हाथ के खा लेना, कोई औरत के हाथ के, या फिर तेरा साथी अब एक ही है तेरा हाथ और कुछ नहीं है,
इन बच्चों की इतनी बद्दुआ लगेगी, कीड़े पड़ेंगे तेरे कीड़े। ये भी उम्मीद रखते हैं, दूसरों के पिताओं को देखते हैं, दूसरे के पापाओं को देखते हैं, सोचते हैं हमारे भी अच्छा पापा होता था, हम भी बात करते, हम भी कुछ उम्मीद रखते, काश हमारा भी ऐसा पिता होता, काश हमारा भी वैसा पिता होता। बहुत जी दुखता है बच्चों का अंदर से। हो सकता है मेरी बदुआ तेरे को ना लगे, हो सकता है मैंने तेरा बहुत कुछ बिगाड़ा हो, क्या पता। इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा तेरा, क्यों इनको खत्म करने पे तुला हुआ है? ये कभी अपनी आंखों से देख नहीं पाएगा तू इनको, इच्छा ही नहीं है इसकी देखने की। ये तो हम कह रहे हैं कि तू देख नहीं पाएगा, अरे इसको थोड़ी बहुत ऐसा होता ना कि इसके दो बच्चे भी हैं तो ये इस हद तक नहीं गिरता, हम लोगों को खत्म करने के लिए मजबूर नहीं करता ये, हमें इस तरह मजबूर नहीं करता कि अब आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए। जितने तेरे को कूद चक्कर रचने हैं ना रख चले, एक तरफ मुझे फांसी की सजा आ गई और दूसरी तरफ ये भी आ गया ना कि वापस इसके पास जाए तो वो बेटर है। छो जाती मेरी नौकरी, तेरे जितने उल्टे सीधे चक्कर चला के भले तू नौकरी में जो कर दे, जो करना है कर, बदनामी में तो तक बाकी छोड़ी को, अब इनमें भी जो करना है कर, पर मौज जीते जी कर दे जो को तेरे को कार दे ठंडक तो मिले, जल्दी करिए, ज्यादा टाइम नहीं है ना मारे कने ना तेरे कने, बहुत कम टाइम है।